सब पूछते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अज़ान क्यों नहीं दी। नमाज वाली अज़ान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दी है या नहीं दी, इसमें शुरू से ही मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ़ चला आ रहा है। अल्लामा नववी रहमतुल्लाह ताला उनका ख्याल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान दी है। तिर्मिज़ी शरीफ में एक रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान दी और फिर ऊपर से बारिश हो रही थी, नीचे कीचड़ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी के ऊपर बैठे हुए ही अज़ान कही और अज़ान कहने के बाद लोगों को जमात करवाई उसी सवारी के ऊपर बैठकर। ये रिवायत तिर्मिज़ी शरीफ में मौजूद है। लेकिन इबन हजर असकलानी रहमतुल्लाह ताला जो बहुत शुराए हदीस मशहूर हैं, शुराए हदीस में से, उनका ख्याल ये है कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अज़ान नहीं दी है। और फिर ये जो रिवायत है तिर्मिज़ी शरीफ वाली, इस रिवायत के बारे में फरमाया कि मुसनद अहमद में यही रिवायत मनकूल है, लेकिन उसके अंदर ये साथ जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म किया, उन्होंने अज़ान दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई है। तो लिहाजा इस रिवायत को उन्होंने इस तरह करके इसका जवाब दे दिया है। तो उनका ख्याल ये है कि अज़ान नहीं दी। बहरहाल दोनों ने बिल यकीन नहीं कहा कि आपने अज़ान दी या नहीं दी, उन्होंने अपने दलाइल दिए, उन्होंने अपने दलाइल दिए। इस पर अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह ताला का मुस्तकिल रिसाला भी है इसी मौजू के ऊपर कि अज़ान फजर अज़ान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दी है या नहीं दी, और उसके अंदर भी खुलासा अल्लामा नकवी रहमतुल्लाह ने यही निकाला है कि इसमें कोई बात पक्की करना ये ठीक नहीं है। बल्कि उन्होंने एक बात जो कही है वो बहुत अच्छी बात है कि जो हजरात कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान नहीं कही, उसकी वजह जिक्र कर दी है कि आप जब भी कोई काम करते थे तो वो फिर हमेशा के लिए करते थे, तो अगर आप अज़ान देते तो फिर आप हमेशा अज़ान देते, जब हमेशा अज़ान देते तो ये मनसब नबूवत के एक ज़िम्मेदारियों में से हो जाता, फिर उनके जो खुलफा थे उनकी ज़िम्मेदारियों में से भी हो जाता कि वो अज़ान दिया करेंगे, जैसे कि इमामत उनकी ज़िम्मेदारियों में से था, यानी खलीफा जो होता था वही इमामत किया करवाया करता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमामत करवाते थे, फिर खुलफा ने भी इमामत करवाई है, फिर उनकी ज़िम्मेदारी बन जाता। जबकि खिलाफत के बकिया जो उमूर हैं वो इतने अहम होते हैं कि इस अज़ान देने से कई मरतबा कई दर्जा वो ज़्यादा अहम होते हैं, इसलिए आपने ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली ही नहीं है ताकि बकिया बाद वाले खुलफा को इस मशक्क़त का सामना ना करना पड़े। तो ये वजह उन्होंने ज़िक्र की और काफ़ी मज़बूत वजह है। तो लिहाजा उनका ख्याल भी यही है कि इसमें कोई पक्की बात नहीं है, अलबत्ता इख्तिलाफ़ चलता आ रहा है, वह अभी भी चलता रहेगा। ठीक है।